हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बैंगन की सब्ज़ी। ये आज जो मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, एक अलग तरीके से बनाऊँगी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है, देखिए, सबसे पहले जो है वो है बैंगन, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और मसाले में इसमें लगेगी जीरा, गोलकी, धनिया और मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले तो बैंगन को हमें इस प्रकार से मोटे मोटे काट लेना है। अगर आपके बैंगन बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उसे इस तरह से दो टुकड़ों में करके फिर बीच से उसे काटें, और नहीं तो गोल गोल भी आप काट सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बैंगन थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, जो उसका पीस है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। और टमाटर भी मैंने काट लिया है, मैंने इसको अभी मुझे ग्राइंड करना है। प्याज को मैंने काट कर रखा है और अदरक लहसुन का भी मैं पेस्ट बनाऊंगी। बैंगन को छानने से पहले इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक लगा दें, तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम बैंगन को डाल देंगे। बैंगन हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने में सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरा, साबुत जीरा, तेज पत्ता, फोरन जब हमारा हो जाए तब इसमें हम डालेंगे प्याज, और प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करके फ्राई करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम मिलाएंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, इसमें सब मसाला एक साथ मिक्स करके मैंने पहले से ही पाउडर बना के रखा है, तो अब इसे हम डालेंगे। मसाला हमारी भून चुकी है, अब इसमें हम मिक्स करेंगे टमाटर का जो पेस्ट तैयार किया था उसे। इसे भी अच्छी तरह से पकाना है। अब बारी है नमक की, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा हिसाब से, क्योंकि जब मैंने बैंगन को फ्राई किया था तो उसमें भी थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया था, इसलिए नमक को थोड़ा कम ही डालेंगे। एक बात मैं आपको बताना भूल गई गाइस, बैंगन को जब आप फ्राई करते हैं तो ध्यान रहे बैंगन को आप हाफ फ्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, उसे हाफ फ्राई कीजिएगा। मसाला हमारा देखिए तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसमें नहीं रहेगी। अब इसमें हम डालेंगे तले हुए बैंगन जो मैंने तल के रखे हैं उसे। अब बैंगन को कुछ समय हम ग्रेवी में पकाएंगे ताकि ग्रेवी का जो नमक मसाला सब इसमें चला जाए और बैंगन भी
अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि इसे मैंने हाफ फ्राई किया था। देखिए बैगन हमारा लगभग रेडी हो चुका है, अब इसे हम प्लेट्स में निकालेंगे। इसे आप ऊपर से हरी धनिया से सजाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। इसे आप अपने घर में ट्राई करो, आई होप कि आपके फैमिली को ये ज़रूर पसंद आएगा। सो गाइस, अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी में।